हेलो गाइस, मेरा नाम रेसू और आप देख रहे हैं टीसी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं ड्रिल मशीन, जो बहुत ही बेहतरीन है। आप भी उसे घर पे बना सकते हो, बहुत आसान तरीका है बनाने के लिए। तो अगर आप भी ऐसे ड्रिल मशीन घर पे बनाना चाहते हो, देखो कितनी मस्त लग रही है। मैं इस पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, देखो कितनी बेहतरीन लग रही है, गजब लग रही है देखने में। आप भी ऐसे ड्रिल मशीन घर पर बना सकते हो। आपको सिर्फ एक 12 वोल्ट का अडेप्टर और एक 12 वोल्ट की मोटर चाहिए, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस थोबड़े को पहली बार देख रहे हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको भी ऐसी ड्रिल मशीन बनानी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप करे, ठीक है? तो अगर वैसे इसमें बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप भी घर बना सकते हो। हाँ, अगर थोड़ी बहुत वीडियो स्किप करने की ज़रूरत है कर देना, ठीक है? कहीं नहीं कुछ है। तो शुरू करते हैं वीडियो, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है सैनिटाइज करना क्यों ज़रूरी है। तो हम सैनिटाइज करने के बाद वीडियो बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रिल मशीन बनाने के लिए चाहिए 1.25 इंची मोटाई वाला एक 15 सेंटीमीटर का पाइप। उसमें आप स्विच के हिसाब से छेद कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 3 पिन वाला बड़ा स्विच है, तो मैं इसी के हिसाब से इसमें छेद कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लेना, अगर आपके पास बड़ा स्विच है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा। तो यहाँ पर मैंने इसमें छेद कर लिया है, तो एक बार फिक्स करके देखते हैं कि इसमें अच्छी तरह सही हो रहा है नहीं। ये तो अच्छी तरह फिक्स हो रहा है। तो और इसके अलावा आपको चाहिए एक 1.25 इंच पाइप की कैप। यहाँ पर मैं इस कैप में छेद कर लेता हूँ। आपको वैसे ही ऐसी दो कैप चाहिए, दोनों में आप छेद कर लेना। देखो यहाँ पर मैंने छेद कर लिया है, तो इसी तरह आप दोनों कैप में छेद कर लेना। देखो यहाँ पर मैंने दोनों कैप में छेद कर लिया है, एक में छोटा एक में बड़ा, क्योंकि छोटे वाले में पिन लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मोटर इस पाइप में लूज़ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मोटर पर टेप लगा लेता हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो हम बाद में देख लेंगे, ये फिक्स हो जाएगा वैसे। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक तार लिया है, ये लगभग 1 फिट का है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तारों को छील लिया है और यहाँ पर अब इसे कटिंग पेस्टिंग, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इस पर सोल्डर करना आसानी हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादातर जब भी आप सोल्डर करते हो ना, तार आपको छोटे रखने चाहिए, क्योंकि इन पर आसानी से सोल्डर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तार काट लिए, छोटे कर लिए। यह है 12 वोल्ट एडाप्टर की पिन, यानी कि इनपुट। तो यहाँ पर हम इस पर प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस देख सकते हो ना आप। प्लस वाले पे मैंने रेड और निगेटिव वाले पे, ये कि माइनस वाले पे हमने ग्रीन वो सोल्डर किया है। तो इसी तरह आप भी माइनस का ध्यान रखना। तो गाइज, आपको एक सजेशन दूं, अगर आप ये फेविक्विक खोलोगे ना, आपको पहले उंगली से टैप कर देना चाहिए, ताकि ऊपर की जो बूंदे होती है ना फेविक्विक की, वो नीचे आ जाएगी, तो आपके हाथों पर नहीं चिपकेगी। तो गाइज, इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं फेविक्विक से हम ये इनपुट जो है ना, इसे चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चिपका रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, ये बूंद नीचे गिर गई थी, तो हम इसे देख लेंगे, साफ़ कर देंगे। तो गाइज, मैंने उसे भी साफ़ कर दिया है। तो आप जो मैंने आपको बताया था 15 सेंटीमीटर का पाइप लेना था, उसके अलावा आपको एक और पाइप लेना है, वो उस जाए 10 सेंटीमीटर। तो आपको एक 15 का, एक 10 सेंटीमीटर का लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसमें एल्बो लगा लिए। तो यहाँ पर मैंने स्विच लगाने के लिए, पर आप चाहे रेड या ग्रीन कोई सा, मतलब प्लस माइनस का कोई सा भी कट कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्विच लगाना होता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाले वायर को कट कर लिया है, यहाँ पर हम स्विच लगा लेंगे। तो गाइज देख सकते हो, यहाँ पर मैं अब स्विच लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वो यहाँ से आप किसी तरह कनेक्ट कर सकते हो, आप कोई से भी पिन में कोई सा ही तार वायर सोल्डर कर सकते हो। इस तरह देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों तार सोल्डर कर लिए हैं। अब बस इसे आगे मोटर फिट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे पिन फिट कर लिए। तो इस और आगे जो ये तार निकले ना, तो मैंने जब तार कट किया था तो ये छोटा बड़ा हो गया। तो यहाँ से दोनों तारों को बराबर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मोटर लगाना है। तो गाइज, मैंने तार छील लिया है, मोड़ लिया है वगैरह वगैरह। तो अभी बस यहाँ पर मुझे बांधना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप सोल्डर कर सकते हो, लेकिन अरे इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, हम यहाँ से बस बांध देते हैं, ठीक है? अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर अच्छी तरह सोल्डर कर लेंगे। गाइज, अगर आप चाहो तो सोल्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे क्या कहते हैं, अल्पेटा जो भी कहते हैं, हमने इसे बस बांध दिया है इस पर, ठीक है? अगर
टांग लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। देखो आप, मैंने जो टैप लगाई थी उसकी वजह से कितनी अच्छी तरह फिट हो गया है, थोड़ा नहीं तो ये तो अंदर हो जाता ना, तो आपको मोटर निकालने की परेशानी पड़ती अगर अगर आप जब छेद करते कहीं चीज़ किसी चीज़ में। तो गाइज इसके अलावा आपको चाहिए एक ऑल आउट या मैक्सो की जो वो होती है ना मच्छर भगाने वाली या मस्किटो भगाने वाली, तो उसकी कैप लेनी है आपको। यहाँ पर आप कैप चिपका लेना, लेकिन यहाँ मैंने गलत कर दिया था, चिपका मैंने पहले ली थी, काटा आगे से बाद में था। तो गाइज पहले आप ऊपर से जो कैप है ना तो उसे काट लेना और ये चिपकाना है। यहाँ पर मैं अब बाद में काट लेता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने अब काट दिया, लेकिन आप ये पहले करना क्योंकि आप बाद में परेशानी हो सकती है। तो गाइज देखो ये ब्लू प्रिंट बन के तैयार है, सॉरी ब्लू प्रिंट या कुछ भी कहो, देखने में बढ़िया लग रही है। बस आपको यहाँ पर ये पिन लगानी है, यानी कि ड्रिल बिट लगानी है। तो गाइज देखो मेरे पास ड्रिल बिट और इसके मोटर की पिन दोनों बराबर मोटाई की है। तो गाइज बस आप कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर एक बॉल वोल्ट ले लेनी है इसे ना, जहाँ पर आपको दिखाई दे रही है लाइन सी बीच में, वहाँ से आपको इसे कट कर लेना है। देखो यहाँ पर मैं इसे कट कर रहा हूँ, तो जब ये कट हो जाएगी तो आपको इसका आरपार दिखने लगेगा। तो गाइज ये एक पाइप सा बन गया, बस आपको क्या करना है एक तरफ इसमें पिन मोटर में लगा देनी है और दूसरी तरफ इसमें आपको ड्रिल बिट लगा देनी है। तो आप यहाँ पर फेविक्यू वगैरह चिपका भी सकते हो, लेकिन आपको इसकी ड्रिल बिट चेंज करनी होगी, तो इसके लिए मैंने लगाई नहीं है क्योंकि घूम तो रही है अच्छी तरह फिक्स हो गई। तो गाइज देख सकते हो आप इस तरह पूरी वीडियो बनकर तैयार है, वीडियो भी बनकर तैयार है, और इसके साथ साथ देखो ड्रिल मशीन कितनी मस्त लग रही है देखने बनकर तैयार है। कितना टाइम लगा है, सिर्फ मुझे जितनी मिनट की वीडियो है उतनी ही मिनट लगी थी बनाने में। तो गाइज आप भी इस तरह बना सकते हो, और देख सकते हो आप यहाँ पर ये जो एडोप्टर है वो 12 वोल्ट का है। यहाँ पर हम ये वाली पिन इसे इनपुट में लगा लेते हैं। तो गाइज देखो ये चलने लगी, देखो बटन दबाया मैंने चलने लगी। तो गाइज ये कैमरे की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा स्लो घूम रही है, नहीं गाइज ये बहुत तेज़ घूम रही है। अगर मैं आपको आवाज़ सुनानी चाहूँ तो देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो आवाज़ कितनी मस्त आ रही है, बिल्कुल असली ड्रिल बिट जैसी। तो गाइज देखो थोड़ी रात हो गई थी तो इसलिए मैं अंधेरे समय बनानी पड़ी वीडियो। तो गाइज देखो कितने अच्छे तरह छेद कर दिए दीवार में, ईंट में। तो गाइस जब ईंट में छेद कर सकती है तो गाइस सोच सकते हो आप कैमे कर सकती है छेद, ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो गाइस देख सकते हो ये अच्छी तरह काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए थे ना तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट।